आपने क्या किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिटली, और प्रेजेंट इंडेफिनिटली में क्या किया था? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या किया था? पॉजिटिव सेंटेंस। आज हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस जो है कैसे बनाए जाते हैं, उनमें क्या लगता है, ठीक है ना, तो वो हम बनाएंगे। तो कल का एक बार हम फीडबैक लेते हैं। तो कल हमने जो बनाया था उसमें क्या था, रूल क्या था? आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये था ना। उसके बाद दूसरा रूल क्या था, सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, वो हम इसमें यूज कर रहे थे पॉजिटिव सेंटेंस में। तो आज हम जो करेंगे यूज नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस में भी सेंटेंसेस में दो रूल रखते हैं, वैसे ही रूल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो क्या है, वही है आई वी यू दे प्लस यहाँ तक पाती ना, और उसके बाद क्या आती है फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, है ना, उसमें नोट का प्रयोग होगा। तो आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन का क्या प्रयोग होगा, डू नोट का, किस का प्रयोग होगा, डू नोट का, समझ में आ रही बात। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, ही सी इट सिंगुलर नाउन, इसमें डज नोट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हुआ था वो किसने ले लिया, डू ने ले लिया, किसने ले लिया, डू ने, तो इसी के डू डू किसी में कन्वर्टेड हो गया, डज ने, तो यहां पर क्या प्रयोग होगा, डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहां जो एस एस लगी हुई थी वो डू ने ले ली है, इसलिए वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस या एस हट जाएगा और कहां आ जाएगा, डू के साथ, है ना। चलो प्रैक्टिस करते हैं एक बार। तो ये हमने लिखा है इधर पॉजिटिव सेंटेंस है ना, और ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम पहले बनाएंगे पॉजिटिव ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो क्या है, वह एक पत्र लिखता है, तो वह सब्जेक्ट क्या आ गया, वह, तो क्या बन गया, ही, ठीक है ना, क्या बन गया, ही, ठीक है। अब सब्जेक्ट के साथ क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट क्या आ गया, ही, तो सब्जेक्ट के जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या आ जाएगा, एस या ई एस। काम क्या हो रहा है, लिखना, ही राइट्स, क्या जाएगा यहाँ पर, ही राइट्स, ही राइट्स, ठीक है भाई। अब हम नेगेटिव में आ जाएंगे, बात वही है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही, है ना, तो दूसरा सकते देखो ही आ गया, तो यहाँ पर क्या आता है नेगेटिव सेंटेंस में, पहले क्या जाएगा, डज नोट, क्या जाएगा, डज नोट, ही डज नोट, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखो क्या है, वह स्कूल जाती है, शी गोस टू स्कूल, हाउ, शी गोस टू स्कूल, शी गोस टू स्कूल, ठीक है। यहां पर आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस क्या आ जाएगा, शी डस नॉट गो, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, वह खाना खाती है, क्या कहेगा, शी ईट्स फूड, ईट्स फूड, वेरी गुड, शी ईट्स फूड, शी ईट्स फूड, ठीक है। अब आ जाएंगे हम नेगेटिव में,
नेगेटिव क्या जाएगा? It means